चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बार फिर से राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। और आपको बता दें कि जो बड़ी बैठक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की आज हो रही है, उसमें जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग जाएगी। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का 7 दिन तक चलने वाला अधिवेशन शुरू हो गया, तो शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि साल 2018 में कुछ बदलाव किए गए थे जिसमें बाध्यता 2 टर्म्स के जो है वो खत्म कर दी थी। तो ऐसे में तीसरे कार्यकाल पर भी मोहर लगना तय है। बीजिंग में होने जा रहे पार्टी कांग्रेस बैठक में माओ के बाद ये पहली बार कोई नेता चीन के सर्वोच्च मुखिया पद पर तीसरी बार काबिज होगा। गीता मोहन हमारी संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी। गीता, शी जिनपिंग का तीसरी बार चुना जाना तय है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या बदला जा सकता है? भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग के अंडर जो चीन के पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक हॉकिश रहे हैं, और भारत और चीन के रिश्ते बहुत खास बेहतर नहीं हुए हैं जो हमने गालवान और एलएसी में इंसिडेंट देखे उसके बाद। शी जिनपिंग अगर तीसरा टर्म लेते हैं सही तो ये उनका तीसरा नहीं, बहुत ही लंबा टर्म होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी लीडरशिप या वहां के राष्ट्रपति ने तीसरा टर्म लिया हो। तो रूल्स बदलने वाले हैं चीन के, अगर वो तीसरा लेते हैं तो ऑब्वियसली चौथा उनके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं होगी, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जो जिस मजबूती से वो उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है अब न केवल सरकार में मिलिट्री पर भी, तो उससे साफ नजर आता है कि शी जिनपिंग के साथ न केवल भारत को पूरी दुनिया को काम करना होगा, चाहे उनको उनके पॉलिसीज पसंद आए या नहीं। गीता, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो अब हर किसी के जहन में, क्योंकि पार्टी विधान में जब से बदलाव हुए थे तो क्या शी जिनपिंग ताउम्र राष्ट्रपति बने रह सकते, इस तरह का रास्ता उन्होंने अपने सामने खोल दिया है? देखिए, अगर थर्ड टर्म लेते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बस 2 टर्म वाली बात है वो खत्म हो जाता है, तो चौथा टर्म लेना नामुमकिन नहीं है। और अगर उनकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे और ऐसे ही इनके मिलिट्री और गवर्नमेंट पर पकड़ रहे तो उनको और टर्म्स लेने में मुश्किल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑटोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई और उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता, वो और मजबूती से आपको नजर आएगा जब एक आदमी तीसरा टर्म लेता है और उसके चांसेस, क्योंकि उसके पास सारा कंट्रोल है, चौथा टर्म का भी हो तो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं कर सकते हैं अगर चीन की बात कर रहे हैं। और इसी का सबको डर है कि एक आदमी के अंदर इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी इतने लंबे समय तक उनके अंदर रहे तो चिंता की बात है। और क्योंकि चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंदर उनके पॉलिसीज बहुत चेंज हो गए हैं इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। अभी भी देखें, अभी हम जब सुन रहे थे उनकी बात, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हांगकांग की बात की और ताइवान की बात की। हांगकांग को बिल्कुल चीन का हिस्सा बना दिया है और कहा है कि ताइवान को भी बनाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं शी जिनपिंग, ये ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।